नाउ द हाइट अबव सी लेवल वी विल डिस्कस अबाउट एज वी ट्रैवल अपवर्ड अबव सी लेवल, कहता है जो हम लोग सफ़र करते हैं ठीक है ऊंचाई के ऊपर जाके, एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्स और उसका दर्जा हरारत चेक करते हैं, इट बिकम्स कूलर कि ये ठंडा है या गर्म है। जो साइंटिस्ट लोग होते हैं वो इस चीज़ को चेक कर रहे होते हैं आया कि हम लोगों के पास हाइट के ऊपर ऊंचाई के ऊपर जाके उसका सी लेवल कितना है ठीक है। इट बिकम्स कूलर एंड कूलर, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है एज वी मूव हायर, ऊंचाई के ऊपर जाके जब वो मूव करता है तब उसे इस चीज़ का पता चलता है कि उसका दर्जा हरारत कितना है। अ जनरल रूल कहता है कि आम रूल का वनीन होता है डैट आफ्टर एवरी किलोमीटर वाइल गोइंग द अपर टेम्परेचर ड्रॉप 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, कहता है अगर हम लोग देखें तो हमारे पास उसका दर्जा हरारत और उसकी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होती हैं। दिस मीन्स इसका मतलब है डैट ऑन द लेंस That on the lanes, okay? Now that on the lanes at the sea level, उसका जो sea level होता है सतह समुंदर का जो sea level होता है वो 35 degree centigrade तक भी होता है। Then a place of the kilometer higher on a mountain, ये एक जगह पे डिपेंड करता है कि पहाड़ों के ऊपर उसका सी लेवल कितना है और उसकी लेंथ में किलोमीटर कितनी होगी और उसका टेम्परेचर कितना होगा ठीक है। पहाड़ के ऊपर उसका टेम्परेचर कितना होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लेस एट अ हाइट कहता है अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई वाली जो जगह होती है ऑलवेज हैव अ कूलर क्लाइमेट, वहाँ पर हमेशा आबो हवा ठंडी होती है क्योंकि उसका सी लेवल ऊँचा होता है, इसलिए वहाँ पर आबो हवा और वहाँ की एटमोसफियर जो होती है वो अच्छी होती है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, दिस वन द डिस्टेंस फ्रॉम द सी कि हम लोगों के पास उसका फासला समुंदर का फासला कितना होता है ठीक है। द टेम्परेचर डज नॉट वारी सो मच इन विंटर और समर नियर द सी, कहता है अगर हम लोग देखें तो उसका जो टेम्परेचर दर्जा हरारत होता है, टेम्परेचर मीन दर्जा हरारत होता है सर्दियों में और गर्मियों में समुंदर का कैसा होता है, द रीज़न उसकी वजह क्या होती है, डैट ड्यूरिंग समर जब गर्मियाँ होती हैं, समर गर्मियों के दौरान में जो उसकी अमाउंट होती है पानी की वो ज़्यादा होती है लेकिन उसका थोड़ा सा जो भाव होता है वो थोड़ा प्रेशर कम होता है गर्मी की वजह से ठीक है। एंड डैट द सी डज नॉट, नाउ लुक एट दिस वन एंड दिस वन, एंड डैट द सी डज नॉट वार्म अप फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, ठीक है सूरज की रोशनी से उसकी जो तपश होती है पानी की वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है एज द लैंड ज़मीन के ऊपर। सो इन समर द लैंड नियर द सी, कहता है गर्मियों में अगर हम लोग देखें तो ज़मीन के ऊपर जो समुंदर में पानी होता है वो थोड़ा नीचे गहराई में जाए तो ठंडा होता है लेकिन जो उसका ऊपर सी लेवल होता है फर्स्ट लेवल वो थोड़ा गर्म होता है सूरज की तपश से। सो फर्दर अगर मज़ीद हम लोग इसको देखें तो हमारे पास उसकी जो समुंदर की लहरें होती हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी टाइम के साथ साथ कूलर ठंडी होती जाती हैं। नाउ द इन द सेम वे इन विंटर, अगर कहते हैं सेम हम लोग देखें तो सर्दियों में जो इसकी होती है, सर्दियों में इसका जो वॉल्यूम होता है पानी का वो थोड़ा कम होता है, अगेन टेक लॉन्गर थोड़ा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड ज़मीन के मुकाबले में। सो लैंड नियर द सी रिमेन वार्मर, गर्म होता है डैट द लैंड एट द डिस्टेंस फ्राम द सी, अगर हम लोग देखें समुंदर का फासला ज़मीन से थोड़ा फासला होता है ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर में चेंज होता है। दिस इज़ वाई जैसा कि हम लोग देखें कि हमारे पास प्लेस नियर द सी समुंदर के करीब एज मोर और लेस ज़्यादा या कम उसका टेम्परेचर नहीं होता विद स्लाइट वेरिएशंस, और मामूली सी हम लोग उसकी देखें तो उसकी स्लाइट वेरिएशंस हो रही होती हैं। प्लेस जगह को देखें एट द डिस्टेंस उसका फासला फ्राम द सी एक्सपीरियंस एज अ ग्रेट डिफरेंस, कहता है और उसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ होता है उसका वार्मर टेम्परेचर सर्दियों और गर्मियों में। Okay, now look at the page.